दूसरे की देने का बहुत लोगों को देते हैं। कई बार होता है ना, मदद उसी की करते हैं जिससे वापसी मदद की उम्मीद हो, जिससे कोई उम्मीद नहीं उसकी मदद करके क्या मिलेगा। सुपात पर बोला जिसको सच में जरूरत है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित शिवदेव जी से पूछते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए हो? उन्हें जरूर हुआ है। त्रिकूट पर्वत के पास एक सरोवर बहता था, उसमें एक हाथी आया करता था, गजेंद्र नामक था। हाथी भी सफेद, बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली ऐसा कि उसके सुगंध से शेर डर कर भाग जाए। देखना तो दूर की बात, सुगंध भी आ जाए उसकी। वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है, तो कभी वो सूर में पानी भर के बच्चों पे फेंके तो बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके पत्नी शर्मा जाए। ये इनकी क्रीड़ाएं चल रही है यहाँ पर। इतने में ही उस पानी में एक ग्राह कौन आता है, मगरमच्छ। वो आके गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है, पैरों को पकड़कर नीचे ले जाने लग रहा है। पर गजेंद्र सोचे कि मैं इतना शक्तिशाली, ये ध्यान में रख रहा अभी लड़ने। इस कहानी में, इस कथा में गजेंद्र यानी हमारा और ग्राह यानी काल, मृत्यु। काल शुरुआत में पैरों को ही पकड़ते हैं, कहते ना चला नहीं जाते, घुटनों में दर्द रहने लग गया, सीढ़ी नहीं चली जाती। काल ने पैरों को पकड़ सुधर जाओ। और हम कौन है? गजेंद्र, मेरा क्या बिगड़ है? पर गजेंद्र पानी का पशु है और ग्राह पानी का पशु है। धीरे धीरे गजेंद्र शक्ति कम होती है, उसका शक्ति जा रहा है, तो यहाँ ग्रह की शक्ति बढ़ती जा रही है, खींच से खींच बीच में लेकर जा रहा है। अब जब उसे लगने गजेंद्र को मारने लगा तो उसने आवाज दी, अपनी पत्नी से कहता है, कह रहे प्रभु इसके काम तो पूरी कहानी है।
मुझसे पहले आकर बैठा है। भगवान कितनी सुंदर बात है।